भारत में एक ऐसी नदी है जिसमें से सोना निकलता है। आप हमारी बात सुनकर हैरान रह गए ना, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। सोने की इस नदी की रेत में से सालों से सोना निकाला जा रहा है। यहाँ के लोग नदी से सोना निकालकर अपनी गुजर बसर करते हैं। झारखंड की सोनारेखा नदी में सदियों से सोना उगल रही है। अपने साथ सोने के टुकड़े लेकर बहने के कारण इस नदी का नामकरण सोनारेखा नदी हुआ है। सोनारेखा नदी जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में बहती है। इस नदी की लंबाई 474 किलोमीटर है। सोनारेखा और उसकी सहायक नदी करकरी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 16 किलोमीटर दूर नगड़ी गांव के रानी चुहा परिसर स्थित एक छोटे से चुहा यानी खेत के एक छोटे से गड्ढे से पानी की धार निरंतर निकल रही है। यहां से निकलने के बाद कुछ दूर आगे बढ़ने पर यह झारखंड की जीवनदायिनी सोनारेखा नदी का रूप ले लेती है। सदियों से निरंतर कल कल बहने वाली झारखंड की ये एक ऐसी नदी है जिसका अस्तित्व किसी अन्य दूसरी नदियों में जाकर खत्म नहीं हो जाता। ये नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक एक दिन में एक शख्स सिर्फ एक या दो सोने का कण ही ढूंढ पाते हैं। बाजार में इसका 200 से 400 रुपए के बीच मूल्य मिलता है और औसतन एक महीने में 5 या 7 हजार रुपए मिल जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेत में सोने का कण कहां से आते हैं, ये आज भी रहस्य बना हुआ है।